दोस्तों, गार्डन और पार्क में कई ऐसे पौधे होते हैं जो स्वतः ही ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हैं, लेकिन गार्डन और पार्क में प्राकृतिक रूप से उगाने वाला एक पौधा टच मी नॉट यानी कि लाजवंती बच्चों से लेकर बूढ़े तक सभी को पसंद है। खासकर बच्चे इस पौधे के साथ खेलना पसंद करते हैं। इस पौधे की खासियत ये है कि जब इसकी पत्तियों को छुआ जाए तो इसकी पत्तियां मुड़ जाती है, इसलिए इस पौधे को टच मी नॉट का नाम दिया गया है। हिंदी में इसे लाजवंती कहा जाता है। दोस्तों, इस पौधे का वानस्पतिक नाम मीमोसा पुडलिका है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मीमोसा एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ होता है अभिनय, एक्टिंग, और ये नाम इसे इस पौधे की सुंदर अभिनय के नाम से दिया गया है। ये जो पौधा अभिनय करता है, जब इसे छुआ जाता है और ये उसका रेस्पॉन्स करता है, तो ये बिल्कुल एक सुंदर सा अभिनय जैसा प्रतीत होता है। टच मी नॉट यानी कि लाजवंती के पौधे की पत्तियों को स्पर्श किया जाए तो इसकी पत्तियों में एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स पास होता है और इसके रेस्पॉन्स में ये पौधा की पत्तियों को समेट लेता है। इस तरह के मूवमेंट को, गतिशीलता को थीगोट्रोपिज्म कहा जाता है। ये पौधा कई मायने में विशेष है। इसमें बहुत सारे औषधि गुण भी पाए जाते हैं और इसके अलावा इस पौधे का दूसरा महत्व भी है। दोस्तों, नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इन्फॉर्मेशन की वेबसाइट के अनुसार इस पौधे में कई औषधि गुण मौजूद हैं। इस पौधे की पत्तियों का रस का यदि सेवन किया जाए तो डिप्रेशन यानी कि तनाव से मुक्ति मिलती है, अनिद्रा से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, यूनाइटेड स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अनुसार इस पौधे में एंटी डायबिटिक गुण पाए जाते हैं। इसके अलावा यदि इसकी पत्तियों का पेस्ट बनाकर बालों में लगाया जाए तो बाल झड़ना कम हो जाते हैं। यदि इसकी पत्तियों का पेस्ट बनाकर घुटनों में लगाया जाए तो घुटने दर्द से राहत मिलती है। दोस्तों, आयुर्वेद के अनुसार लाजवंती के पौधे का हर भाग का आयुर्वेदिक महत्व है। यदि इस पौधे के बीज का पेस्ट बनाकर बालों में लगाया जाए तो बाल झड़ना कम हो जाते हैं। यदि इसकी पत्तियों का पेस्ट बनाकर उसका रस निकाल के उसका सेवन किया जाए तो पेट दर्द से मुक्ति मिलती है। तो यदि इसकी पत्तियों का पेस्ट बनाकर घाव में लगाया जाए तो घाव जल्दी भरते हैं। यदि इसकी पौधे का रस निकाल के उसका सेवन किया जाए तो लीवर में यदि सूजन हो तो ये समस्या दूर हो जाती है। किसी भी तरह के चर्म रोग में, स्किन डिजीज में आप टच मी नॉट यानी कि लाजवंती के पत्ते का पेस्ट बनाकर उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों, इस पौधे का जड़ काफ़ी गहरा जाता है, इसलिए ये मिट्टी को क्षरण यानी कि सॉयल इरोजन से बचाता है। इसके अलावा किसान इसकी पत्तियों से इंसेक्टिसाइड यानी कि कीटनाशक बनाते हैं जिसे जैविक खेती यानी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में उपयोग किया जाता है। दोस्तों, मेरे द्वारा यहाँ जो जानकारी दी गई है ये प्रकाशित शोध पत्रों पर आधारित है। ये एक सामान्य जानकारी है। किसी भी आयुर्वेदिक पौधे का उपयोग करने से पहले आपको उसका सही पहचान करना आना चाहिए और किसी भी आयुर्वेदिक पौधे का उपयोग करने से पहले आप किसी अच्छे चिकित्सक से परामर्श आवश्यक रूप से लें।